एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पना करता। वह अपनी इन बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया उसने अपने अंदर इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंत में उसने परेशान होकर अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात सही से समझ नहीं आई तो उसने गुरु से उसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तभी उस रास्ते पर एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही वह व्यक्ति बहुत डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सांप नहीं था, बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सांप नहीं, बल्कि उसे खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की भांति हैं, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी परेशानी का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं। क्योंकि नकारात्मक विचार गुस्से और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं, इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण को जानने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को और दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। हम अपने अंदर दया भावना रखकर ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारे परेशानी का मूल कारण नहीं है, असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छिपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को मन से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सांप के भांति ही हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं, जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये शानदार कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।